पटना के कारगिल चौक पर लगातार उद्धव ठाकरे मुर्दाबाद का नारा लग रहा है। सुशांत सिंह राजपूत के रहस्यमयी मौत का जो मामला है उसमें रोज एक नया एंगल सामने आ रहा है। जिस तरह से महाराष्ट्र के पुलिस के द्वारा बिहार पुलिस और एक बिहार के सीनियर आईपीएस अधिकारी के साथ जो बर्ताव वहां किया गया, जबरदस्ती उनको हाउस अरेस्ट किया गया है क्वारंटाइन के नाम पर, तो बिहार की जनता और सुशांत सिंह राजपूत के जितने भी फैंस हैं उनमें एक आक्रोश सा दिख रहा है। और लगातार जो है उद्धव ठाकरे जो कि महाराष्ट्र के सीएम हैं उनके खिलाफ आक्रोश फूट रहा है। जिस तरह से आप देख सकते हैं पट्टा के कारगिल चौक पर एक बार फिर से उद्धव ठाकरे मुर्दाबाद के नारे बुलंद हो रहे हैं और उनका पुतला दहन किया जा रहा है। और इस पर महाराष्ट्र के पुलिस की भी फोटो लगी हुई थी और जो सुशांत सिंह राजपूत के जो फैंस हैं यहाँ पर लगातार महाराष्ट्र पुलिस मुर्दाबाद के नारे और उद्धव ठाकरे के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो सुशांत सिंह राजपूत का मामला है वो जब तक कि सीबीआई के हाथ में इस पूरे मामले की जांच जो है सीबीआई के हाथ में जब तक नहीं जाती है तब तक सुशांत सिंह राजपूत के जितने भी फैंस हैं वो इसी तरह से अपना आक्रोश जो है वो व्यक्त करते रहेंगे। लगातार सुशांत सिंह राजपूत के जितने भी फैंस हैं वो सड़क पर उतर रहे हैं और इस पूरे मामले की जांच को जो है वो सीबीआई को हैंडओवर करने की बात कर रहे हैं। और बिहार सरकार भी आज इसकी पहल कर चुकी है। जब से सुशांत सिंह राजपूत के बड़े भाई और बीजेपी के विधायक हैं नीरज कुमार सिंह उर्फ बबलू और उनकी पत्नी भी हैं विधान परिषद हैं उनकी पत्नी और सदन में विधानसभा और विधान परिषद में इन दोनों ने मिलकर आवाज़ बुलंद किया था कि सीबीआई जांच होनी चाहिए सुशांत सिंह राजपूत मामले में। तो बिहार सरकार भी इसमें पहल क्या लगता है सीबीआई के हैंडओवर हो जा पाएगी ये केस आपको? बिहार सरकार ने भी अनुशंसा कर दी है। हाँ, जिस प्रकार से बिहार की सरकार ने अनुशंसा की है तो हमें पूरा भरोसा है कि बिहार सरकार अनुशंसा करेगी तो केंद्र सरकार उसको निश्चित रूप से संज्ञान में लेगी और सीबीआई जांच की उसके मांग करेंगे हम लोग। और निश्चित रूप से सीबीआई जांच होगा और सुशांत सिंह को न्याय मिलेगा। और अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग रुकने वाले नहीं हैं, हम लोग डरने वाले नहीं हैं, हम लोग बैठने वाले नहीं हैं, ना हम लोग दबने वाले हैं। पुरजोर तरीके से प्रदर्शन करेंगे और जब ये सारा लॉकडाउन वगैरह अगर रहा भी, अगर हम लोग देखेंगे कि ज़्यादा तरीके से अगर ये सब चीज़ हो रहा है तो यहाँ से हम लोग 15 आदमी 20 आदमी 25 आदमी निकल करके और मुंबई में जा करके गेटवे ऑफ इंडिया पर हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। बिल्कुल नहीं कर रही है महाराष्ट्र पुलिस तो काम कर रही है लेकिन महाराष्ट्र पुलिस वहाँ पर जो दोषी है उनको बचाने का काम कर रही है। आखिर क्या कारण है कि वहाँ पर ऑटो में घूमना पड़ रहा है पुलिस को? अभी तक पूरा का पूरा कंप्लीट दस्तावेज उन लोगों को नहीं मिला है। सिटी एसपी गए उनको क्वारंटीन कर दिया गया। पिछले दिन में 25,000 यहाँ से बिहारी लोग गए हुए हैं या कहीं के भी लोग आए हुए हैं, किसी को तो क्वारंटीन किया नहीं गया। फिर आखिर सिटी एसपी को क्वारंटीन करने का क्या था? महाराष्ट्र पुलिस रिया चक्रवर्ती की भाषा नहीं बोल रही है, महाराष्ट्र पुलिस उद्धव ठाकरे की भाषा बोल रही है। रिया चक्रवर्ती तो छोटी सी चीज है। रिया चक्रवर्ती अगर पकड़ाएगी तो जितने भी लोग होंगे सारे के सारे दोषी लोग जो रहेंगे उनका पर्दाफाश हो जाएगा। ठाकरे का बेटा भी आदित्य ठाकरे निश्चित रूप से है। आज तो देख करके जिस हिसाब से महाराष्ट्र पुलिस का रवैया है आप भी समझ रहे हो कि रिया चक्रवर्ती को बचाने के लिए महाराष्ट्र पुलिस महाराष्ट्र सरकार इस कदर सामने नहीं आएगी। आज पूरे देश में उन लोगों का बदनामी हो रहा है पुलिस का सरकार का, तो हम नहीं समझते कि सिर्फ रिया चक्रवर्ती को बचाने के लिए काम किया जा रहा है। तब तक सड़क पर रहेंगे, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक रहेंगे। और ईमानदारी से इंसाफ मिलना चाहिए। सिर्फ रिया चक्रवर्ती अब दोषी नहीं है इसमें, ये बात तो निश्चित रूप से सामने आ चुका है कि इसमें सिर्फ रिया चक्रवर्ती ही दोषी नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत बड़े बड़े लोग दोषी हैं इसमें। और जब तक सारे लोगों का नाम नहीं आएगा तब तक हम लोग सड़क पर हैं और मुंबई तक भी जाएंगे। हम लोग सुशांत सिंह राजपूत के फैन है, सपोर्टर है, फैन है और हम लोग बिहार के नीतीश कुमार जी ने जो अनुशंसा की है सीबीआई जांच के लिए तो हम लोग उसका स्वागत करते हैं और हम लोग उनको धन्यवाद भी करते हैं। लेकिन हम लोग ये साथ साथ उनको कहना चाहेंगे कि सिर्फ अनुशंसा करने से काम नहीं चलेगा, आप पुरजोर तरीके से लगिए और इसका सीबीआई जांच करा करके रहिए। जब तक इसका जैसा कि आपने देखा सुशांत सिंह राजपूत के फैंस पटना की सड़कों पर लगातार उतर रहे हैं। अभी हम पटना के कारगिल चौक पर खड़े हैं और यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत के फैंस ने पुतला दहन किया उद्धव ठाकरे का जो महाराष्ट्र के सीएम है। और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के सीएम के जो बेटे हैं आदित्य ठाकरे उनकी भी संलिप्तता की बात इनके द्वारा कही जा रही है। हालांकि महाराष्ट्र पुलिस अगर अपना काम ठीक से करती तो बिहार पुलिस को बिहार से महाराष्ट्र जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जिस तरह से बिहार के एक सीनियर आईपीएस अधिकारी के साथ महाराष्ट्र की सरकार ने बर्ताव किया है
काफ़ी शर्मनाक रवैया रहा है महाराष्ट्र की पुलिस का। लगातार सुशांत सिंह राजपूत के फैंस सड़क पर बने हुए हैं और बने रहेंगे जब तक कि सुशांत सिंह राजपूत को उचित न्याय नहीं मिल जाता। मामले की तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे, बने रहिए रिपब्लिकन न्यूज। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहां बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।